जो हमारे बच्चे हैं, जो इस देश के लिए देश का नाम रोशन करे, विदेश सुमदर स्वर्ण पदक ये जीत कर लावे, तो नहीं क्या नो बता रही। कहा जा रहा है कि बृजभूषण सिंह बहुत ताकतवर है, इस वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, आरोप खिलाड़ी लगा रहे हैं। लगा ताकतवर है तो ताकत उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं चाहता करना ताकत का। सर आप लोग समर्थन एक्सटेंड करने के लिए आए हैं, पांचवा दिन है, सरकार की तरफ से बातचीत शुरू नहीं हुई है। इस तरह की नौबत आ रही, जो हमारी आन बान शान है, जो हमारे खिलाड़ी है, जो इस देश की शान है, उन्हें इस तरह से धरने पर बैठना पड़ रहा, तो इसके लिए तो सब ये जो खाप चौधरी है, इन्होंने भी एक महसूस करा कि भाई हमें भी जाना चाहे वहां से, जो हमारे बच्चे है, जो इस देश के लिए देश का नाम रोशन करे, विदेश सुमदर स्वर्ण पदक ये जीत कर लावे, तो नहीं क्या नौबत आ रही इस तरह की, क्यों नहीं हो रही उनकी सुनवाई, क्या समस्या है उनकी, तो यहाँ इस तरह तैयार है। कहा जा रहा है कि बृजभूषण सिंह बहुत ताकतवर है, इस वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, आरोप खिलाड़ी लगा रहे हैं लगातार। नहीं मारी तो चलो उसके बृजभूषण के साथ में मुलाकात नहीं हुई, पर कम से कम ऐसी नौबत आ रही, क्यों आ रही, ऐसा ताकतवर है तो यह जनता कहाँ जागी, सुनाई सबकी होनी चाह, ताकतवर है तो ताकत उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं चाहता करना ताकत का, ताकत का सही इस्तेमाल करे, देश के विकास में करे, छात्रों के उसमें करे, जो खिलाड़ी है उनके सम्मान में करे, खेलों को बढ़ावा दिया जाए, तो ये है बातचीत, ताकत गलत उसमें इस्तेमाल। आखिरी सवाल सर, इसको यूपी और हरियाणा की लड़ाई के तौर पे भी लगातार कहा जा रहा है, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि आप खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं। नहीं, ये तो पूरे देश की हुआ है, इसमें तो कुछ नहीं बात है, यह तो गलत है, किसी की सोच इस तरह की सोच गलत है, ऐसी बात नहीं होनी चाहते, ये तो पूरे देश के है, पूरे देश के खिलाड़ी है, ये तो गलत है बात, इस तरह की बात नहीं चाहते करने। ठीक है, तो नरेश टिकैत हैं जो इस वक्त जंतर मंतर पे पहुंचे हैं, और कल से ही ये सिलसिला शुरू हो गया है जहां पे अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता, खापों के नेता, और अब नरेश टिकैत जो BKU टिकैत गुट के अध्यक्ष हैं, वो खुद पहुंचे और अब कह रहे हैं कि सरकार को खिलाड़ियों की बात सुननी चाहिए, ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी कि जहां खिलाड़ियों को इस तरह से धरने पर बैठना पड़े, और साथ ही वो उस नरेटिव को भी खारिज कर रहे हैं कि यूपी वर्सेज हरियाणा की लड़ाई है। वीडियो सहयोगी मनीष के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली।